मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। पास्ट और फ्यूचर के विचारों में, कल्पनाओं में हम हमारा काफी समय बर्बाद करते रहते हैं। पास्ट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में सोचते हैं। पास्ट में जो भी दुख भरी बातें हो गई वो बार 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 दिमाग में आती है और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कोई दुखद घटना है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, कोई बड़ा झगड़ा हो चुका है, कोई टेंशन्स है, कोई बहुत आपत्ति आ गई थी पास्ट में, मतलब वो बार 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 दिमाग में आते रहता है। उसका इतना मतलब ज़्यादा तीव्र मात्रा में वो भावना रहती है कि कभी कभी हम प्रेजेंट में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली पास्ट है कहाँ? पास्ट बाहर तो कहीं नहीं है। अतीत के बारे में जब हम बोलते हैं भूतकाल, तो वो भूत जो है या अतीत जो है वो बाहर तो कहीं नहीं है। आप एक कल्पना करो कि आप एक शादी, बहुत बड़े शादी में रिसेप्शन में गए हैं। अभी आंखें बंद करके आप कल्पना करो कि कोई आपने शादी अटेंड किया था कुछ दिन पहले, और बहुत बड़ी शादी थी, बहुत बड़ा माहौल था, जबरदस्त सेलिब्रेशन हो रहा था। आप आंखें बंद करो देखो तो आप देख सकेंगे। वो शादी में 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो भी शादी जब भी हो गई थी, वो शादी में क्या हुआ आपको पूरा याद आएगा। अभी वो तो पास्ट में हो चुकी है शादी, मगर वो अभी भी मैं यदि याद कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा पास्ट कहाँ है, अतीत कहाँ है, वो तो मेरे दिमाग में है। तो फिर ऐसी दर्द भरी घटनाएं जो हुई है पास्ट में, अतीत में, है ना, एक्सीडेंट हो चुका है, कोई झगड़ा हो चुका है, किसने कुछ मेरा इंसल्ट कर दिया है, है ना, अपमान कर दिया किसने, बहुत कुछ तो भी, किसकी डेथ हो चुकी है, दुख भरी बातें हो चुकी है, कुछ ना कुछ ऐसा जो मुझे नहीं चाहता मैं, उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, उसको दिमाग में से निकालना है, तो वो निकले जाएंगे नहीं ऐसे दिमाग में से, वो बार 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 आती रहेंगी और वो अपने को डिस्टर्ब कर दिया, और इसके वजह से हम प्रेजेंट में नहीं है, वर्तमान में हम जीते नहीं है। अब इसको यदि हमको उसकी जो तीव्रता है वो यदि कम करनी है, तो वह NLP टेक्निक के माध्यम से उसकी तीव्रता कम हो सकती है, हिप्नोटिज्म के टेक्निक के माध्यम से उसकी तीव्रता कम हो सकती है। तो हम करते क्या है कि उसको खुद को सेल्फ हिप्नोसिस का सजेशन देने लगाते हैं, व्यक्ति को कुर्सी में बिठा के सेल्फ हिप्नोसिस खुद करो, या फिर मैं सेशन देता हूं, मैं हिप्नोटाइज करूंगा, तो पूरा बदन रिलैक्स करके, बॉडी बदन पूरा रिलैक्स है, मन रिलैक्स है, सूचना देके उसको रिलैक्सेशन थेरेपी मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन सेशन देते हैं, और रिलैक्स होने के बाद में आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं, और आंखें बंद करने के बाद में वो जो घटना जो हुई थी पास्ट में उसके बारे में उसको सोचने लगाते हैं कि वो सोचो, और वो जो चित्र अपने सामने दिमाग में आ रहा है आंखें बंद करने के बाद में उसकी तीव्रता कम करो, मतलब उस समय जो इमोशंस आ रहे थे उसको कम करो, उस समय जो आवाज आ रहे थे उसका वॉल्यूम कम करो, उस समय जो कलर्स अलग अलग दिख रहे थे उसको कम करो, विचार जो आ रहे थे उसको शांत करो, ऐसा उसकी तीव्रता अपने इमेजिनेशन में, कल्पना शक्ति में कम करो, और कम करने के बाद में वही सिचुएशन में बैठो, ताकि उसकी तीव्रता हम उसका मतलब विजुअल कम कर रहे, देखना कल्पना, ऑडिटरी कम कर रहे कान का, और काइनेस्थेटिक मतलब टच या इमोशंस उसकी तीव्रता हम कम कर रहे हैं, जिससे कि वो पास की मेमोरी की जो मतलब जो दुख भरी बातें वो धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगी। तो भी ये सेशन में एक बार करना है, सेशन 5 मिनट 10 मिनट का होगा, खुद को हिप्नोटाइज करके करना है वो, और उसकी तीव्रता कम करना है। वो सेशन के बाद में फिर आप 2-3 बार 4 बार 5 बार ऐसे सेशन खुद होके ले सकते हैं कि जिसमें वो अतीत की मेमोरी आप अपने दिमाग में लाते हो और उसकी तीव्रता कम करते हैं, मतलब उसके कलर्स कम करना, उसका ऑडिटरी मतलब सुनना जो है उस समय की आवाज वो कम करना है, उस समय के सेंसेशंस कम करना है, वॉल्यूम कम करना है, मतलब जो भी है उसका कम करते करते जब करेंगे आप, तो वो पास की मेमोरी जो है वो अपने को कम डिस्टर्ब करेगी, उसे जो तकलीफ होती है वो कम होगी, क्योंकि है दिमाग में, वो उसके न्यूरल पाथवे बन चुके हैं, तो न्यूरल पाथवे जो बन चुके उसको अपने को तोड़ना है, वो तोड़ने के लिए मतलब न्यूरल पाथवे तोड़ने के लिए प्रक्रिया है,
अब दूसरा, हम हमारा फ्यूचर भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में यदि हम सोचते हैं ऐसे सेल्फ हिप्नोटाइज करके आराम कुर्सी में बैठ के, और फ्यूचर में कोई भी एक गोल मैं लेता हूँ या लेने के लिए बोलता हूँ किसको कि भाई ये मेरा गोल है कि मेरे को डॉक्टर बनने का है, या फ्यूचर में मुझे ये प्रोजेक्ट लेने का है, फ्यूचर में मुझे यहाँ जाने का है, जो भी करना है आपको, जो भी उद्देश्य, जो भी एम, जो भी गोल्स आपको क्रिएट करने के हैं और उसको आप विजुअलाइज करते हो, उसको देखते हो अच्छी तरह से, उसको सुनते हो कि जैसा वो हो चुका है, एज इफ इट इज डन, डन डील, उसको देखते भी है, सुनते भी है, फील भी करते हैं, जो भी फ्यूचर में होने वाला है हो, जो मैंने पहले मेरे कई वीडियो में बताया कि विजुअलाइज करो, कल्पना चित्रण निर्माण करो, कल्पना चित्र निर्माण करो, विजुअलाइज करो, और वो जी रोज 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 करते हैं तो उसका एक नया न्यूरल पाथवे तैयार हो जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है RAS, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में उसका उसके न्यूरल पाथवेज तैयार हो जाएंगे। एक बार वो न्यूरल पाथवे तैयार हो गए तो वो आपको फोर्स करेंगे फिर काम करने के लिए, वहां से एक्शन आ जाएगी। तो हम फ्यूचर के बारे में हमारा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हमारा पास्ट जो है, जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम साइलेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों हमको मालूम है कि ये पास्ट है जिसका कोई संबंध नहीं है आज, जो मेरे दिमाग में ही है। फ्यूचर जो है जहां से मैं समझो डर रहा हूं, जिससे मुझे डर लग रहा है, एंग्जाइटी है, वरी है, चिंता है, उसको हम शांत कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसकी उसकी तीव्रता। नया फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये मुझे मालूम है कि पास्ट और फ्यूचर ये मेरे दिमाग में ही है, उसको यदि मैं प्रेजेंट होता हूं कि यदि मेरे दिमाग में है और कंटिन्यूसली दिमाग में जो मेरे विचार चालू रहते हैं उसके बारे में, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, इसकी वजह से मैं वर्तमान में जीता नहीं हूं। तो यदि मैं उसको प्रेजेंट हो जाऊंगा कि मेरा पास्ट और मेरा फ्यूचर जो मेरे दिमाग में वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, वहां से मैं मेरे से बातचीत करते रहता हूं, वहां से मेरे मन में 50,000 से 60,000 थॉट रोज आते रहते हैं, उसको यदि मैं प्रेजेंट हो गया तो फिर मुझे मौका है कि मैं वर्तमान में जी सकूंगा। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, वो मेरे दिमाग में है, उसको मेरे को शांत करने का है। पास्ट को जो तकलीफ देने वाला है, फ्यूचर जो तकलीफ देने वाला है, उसको शांत करो, नया फ्यूचर क्रिएट करो। ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग में आवाज चालू है, उसको शांत करो, उसको प्रेजेंट हो जाओ। यदि मैं करूँगा तो वर्तमान में मेरे को प्रेजेंट होना संभव है, मैं वर्तमान में जी सकूँगा। क्यों कि लाइफ जो है, जीवन जो है, वो अभी हो रहा है, राइट नाउ, जीवन अभी है। पास्ट जो है उसकी स्टोरी मेरे दिमाग में, फ्यूचर जो है उसकी भी स्टोरी मेरे दिमाग में। तो ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर है, जो भी है वो वर्तमान है, राइट नाउ, प्रेजेंट जो है। इसलिए बोलते हैं कि पास्ट इज एन आउटडेटेड चेक, फ्यूचर जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, प्रेजेंट जो है वो करंट कैश इन हैंड है, उसको यूटिलाइज करो। तो हम यदि करते हैं तो पास्ट इज एन आउटडेटेड चेक, फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, द करंट मोमेंट इज कैश इन हैंड, यूटिलाइज इट, उसका वापर करो। तो आप इससे वर्तमान में जीना सीखोगे। वर्तमान कभी अभी हो रहा है, और आप जब अभी मौजूद है, यहाँ मौजूद है, तो वहाँ आपको प्यार मिलेगा, वहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी, वहाँ आपको सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि हमको जो दुख है वो पास्ट और फ्यूचर से ही है, फ्यूचर से चिंता है, पास्ट से दुख है। तो पास्ट को हम छोड़ो बोलते हैं, पास्ट को भूल जाओ बोलते, वो होगा नहीं। पास्ट की जो तकलीफ है, पास्ट की वजह से, उसको हम साइलेंट कर सकते हैं हिप्नोसिस और NLP के माध्यम से। फ्यूचर के बारे में चिंता जो है, उसके बारे में बहुत तनाव है, उसको हम साइलेंट कर सकते हैं NLP हिप्नोसिस के जरिए। अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और ये दोनों बातें मेरे दिमाग में है, दिमाग में मैं मेरे से बात करता हूँ, ये मुझे समझ में आया तो मैं वर्तमान में जी सकता हूँ। क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब कौन करता है, बार 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 दिमाग की आवाज़, दिमाग के विचार। तो वर्तमान में जीना सीखो, यही आपके अच्छे जीवन का, पावरफुल लाइफ का राज है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो पास्ट और फ्यूचर में अकड़ गए, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, तो आप हमारे पार्टनर बनेंगे। कायम है एक नया दुनिया, नई दुनिया तैयार करने में, नया भारत तैयार करने में। हमारा मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य।
हर व्यक्ति पावरफुल बने, सक्षम बने और व्यसन मुक्त भारत निर्माण, तो आपका जरूर उसमें हाथ लगेगा। थैंक यू वेरी मच।